हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का B2BHU चैनल में। हम लोग देख रहे हैं BHU MED एंट्रेंस सॉल्व पेपर 2018 का पार्ट 3। अब हम लोगों ने अभी फर्स्ट और सेकंड पार्ट देख लिया है। अब आगे की सीरीज को हम लोग पार्ट 3 में देखते हैं। तो अभी तक हमने और एजुकेशनल एरिया देख लिया है। अब हम लोग हिंदी वाले खंड को शुरू करेंगे। इसमें कुल मिला के 16 क्वेश्चन हैं और इसमें से हम लोग को सही उत्तर चुनना है। तो आते हैं अपने प्रश्न पर। 121वां क्वेश्चन है, भक्तमाल की रचनाकार हैं। तो भक्तमाल की रचनाकार नाभादास हैं, इसलिए इसका उत्तर चौथा होगा। अगला क्वेश्चन है कि गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं में किस भाव की प्रमुखता है। तो गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं में दास्य भाव की प्रमुखता है, इसलिए इसका आंसर तीसरा होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 123वां, प्री प्रवास के रचनाकार हैं। तो प्री प्रवास के रचनाकार हरि और उपाध्याय हैं, इसका आंसर जो होगा वो दूसरा होगा। अगला क्वेश्चन, धूमिल इनमें से किसका नाम है। तो इसमें से धूमिल जो है सुदामा पांडे, धूमिल इनका पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन 125वां, पुष्टि मार्ग के दार्शनिक आधार हैं। तो इसका दार्शनिक आधार शुद्धा द्वैतवाद है। अगला क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है। तो इसका जो आंसर होगा ये ज्योत्सना होगा। अगला क्वेश्चन है 127वां, गमन को विपरीतार्थक बनाने के लिए कौन सा उपसर्ग जोड़ा जाएगा। तो इसका हो जाएगा तीसरा, इसको जुड़ने पर हो जाएगा ये आगमन। आगमन मतलब आना, गमन मतलब जाना। अगला क्वेश्चन है, देश प्रेम में कौन सा समास है। तो इसमें देश प्रेम में जो है वो कारक छुपे हुए हैं इसके बीच में, इसलिए इसका तत्पुरुष होगा। अब अगला क्वेश्चन है 129, रेलगाड़ी शब्द किस वर्ग का है। तो रेलगाड़ी वर्ग शब्द जो है वो संकर वर्ड है। एक रेलगाड़ी देशज है और रेल जो है विदेशी है, और गाड़ी जो है वो देशज शब्द है, इसलिए ये संकर शब्द होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से तत्सम शब्द को का चयन कीजिए। तो इसमें वर्षा जो है वो तत्सम शब्द है। तत्सम का मतलब होता है कि उसके समान, मतलब जो संस्कृत के समान जो वर्ड रहेंगे वो हमारे तत्सम हो गए। और तद्वा मतलब होता है उससे उत्पन्न हुआ। तो ये बारात, हाथी, ये आंसू, ये सब जो है ये सब तद्भव शब्द हैं जो कि संस्कृत से बिगड़े हुए रूप हैं, और जबकि तत्सम जो होता है वो संस्कृत से सीधे सीधे लिए गए होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सम्मुख का विलोमार्थक है। तो सम्मुख का विलोमार्थक जो होगा वो इसका उत्तर होगा विमुख। अगला क्वेश्चन, युयुत्स का अर्थ है। तो युयुत्स का अर्थ जो होता है वो युद्ध के लिए उत्सुक होगा। अगला क्वेश्चन 133वां, इनमें से एक कहावत सम्मिलित है, उसे पहचानिए। तो इसका जो कहावत है ये है, खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। और सभी ये जो और तीन है वो है मुहावरे हैं, और सिर्फ एक ही कहावत है, खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग युक्त नहीं है। तो इसमें से जो है वो गमन शब्द उपसर्ग युक्त नहीं है। नहीं, सब में कुछ ना कुछ उपसर्ग लगा हुआ, जैसे कि इसमें आ लगा हुआ है, इसमें नी लगा हुआ, इसमें स संग लगा हुआ है। सिर्फ गमन ही ऐसा है जिसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द असुर का पर्यायवाची नहीं है।
इसमें जो असुर का पर्यायवाची शब्द जो नहीं है वो एक ही है, वो है यक्ष, और सभी जो है असुर के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा प्रत्ययुक्त शब्द कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा ममता, इसमें प्रत्यय लगा है ता। अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले जो इंग्लिश वाला सेक्शन है उसको हम लोग अगले न्यू वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।